इस बैठक में हम लोग पहली बार पूरे देश के लोग थोड़ा सा और आगे इन लोगों ने जो अपने स्तर से आंदोलन चलाया है फिर उसको रिव्यू करने के किया है। निश्चित रूप से जो समाज की बात, देश की बात, मानव कल्याण की बात जो हमारे महापुरुषों ने उठाई वो उपरांत है। हम उस मार्च पर चल करके चलते चलते यहाँ अम्बेडकर भवन की इस हॉल में आते हैं। अब आगे बढ़ने की हमें सोचना है कि कैसे बढ़ना है, क्या करना है। साथियों, बीटीएमसी के मामले में कुछ लोगों को ये शायद पता ना हो बीटीएमसी है क्या चीज। बोध गया मैनेजमेंट कमेटी और इसके लिए 49 का एक एक्ट है। तो उस एक्ट के तहत जो इसमें डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में बौद्धों का जो और कमेटी का बौद्धों का अपना अधिपत्य नहीं है। जो कमेटी के अधीन है उसका मूल जो अध्यक्ष है या मैनेजमेंट का जो डायरेक्शन है। हम लोग बहुत सी परिस्थितियों में इधर उधर फंसे हुए हैं क्योंकि बौद्धों का कोई कानून नहीं है। और दो बातें और भी साथ में आती हैं कि बौद्धों का कानून क्यों नहीं है। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो बौद्धों का कानून क्यों नहीं दिया। उसमें भी बहुत सारी परिस्थिति ऐसी है जो शक्ति होगी, लेकिन बाबा साहब के समय में जहां तक मुझे ज्ञात है कि 25 आर्टिकल ही केवल थे जिसमें सारे धर्मों को अपने रीत रिवाज के हिसाब से पढ़ाने का एक स्वतंत्र व्यवस्था मिली थी। 55-56 में हिंदू एक्ट बना, 55-56 में हिंदू एक्ट बना तो इसके बाद 25-2 आर्टिकल बना लिया गया और इसके अंदर क्लॉज 1 क्लॉज 2 25 का या फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया और उसमें यह लिख दिया गया तीन बातें। आप हिंदू कानून को भी पढ़ेंगे 1955-56 एक्ट है, मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, माइनॉरिटी एडॉप्शन एक्ट है, ये जो पर्सनल लॉ होता है वो तीन भाग में बटा होता है। तो उस तीन भाग में बटे होने से दो बातें सामने आती हैं कि जिनका कोई कानून नहीं है वो हिंदू कानून से कवर होंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये आती है कि जो किसी धर्म को नहीं मानते और भारत में रहते हैं जैसे कम्युनिस्ट लोग होते हैं, कभी कभी आता है कि कम्युनिस्ट लोग किसी धर्म को नहीं मानते, वो धर्म के खिलाफ भी बोलते हैं, अफीम का नशा भी बोलते हैं, उन पर भी हिंदू कानून लागू होगा। ये विषय। अब आती है दूसरी विषय की बीटीएमसी का मामला है। मैंने बीटीएमसी की पूरी रिपोर्ट पढ़ी और पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि उनकी व्यवस्था के अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का पार्ट है, इसलिए बोधगया भी उनकी ही मैनेजमेंट होगा क्योंकि बौद्ध लोग उस कानून के अधीन आते हैं। अब हमारे पास दो व्यवस्था समय के हिसाब से जो मैं अपने क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं कि बीटीएमसी एक्ट है वो बौद्धों के खिलाफ है। उससे आपको अमेंडमेंट में इतना ही है कि पहले हिंदू कलेक्टर होता था, एक अमेंडमेंट कर दिया कि कलेक्टर कोई भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टर सेकुलर स्टेट होता है, वो सेकुलर पोस्ट होती है, कलेक्टर किसी का नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री है वो सेकुलर होता है, चीफ मिनिस्टर सेकुलर होता है, वो सभी का होता है। एक सांसद क्षेत्र के लिए वो सभी का होता है, किसी वर्ग के लिए नहीं होता, एक सांसद या MLA जो भी हो तो इसलिए सेकुलर पोस्ट में रखते हैं। अब हमारे साथ विकल्प दो है, अमेंडमेंट आप चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। तो अमेंडमेंट की बात करना हम समझते व्यर्थ है, हमें बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए, रिपील होना चाहिए कि निरस्त होना चाहिए और इसके बाद उसका नाम दूसरा हो। हम लोगों की खामी यह है कि हम बहुत सारे अलग अलग स्टेट में बटे हुए हैं। जो टेम्पल शब्द कहा गया है वो बेसिकली दो बातों को डिनोट करता है। पहला वो अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी शब्द होता है मंदिर। मंदिर हमारे बौद्ध किसी भी
त्रिपिटक में किसी साहित्य का शब्द नहीं है, विहार है महाविहार है, दो ही शब्द है, विहार है या महाविहार है, दूसरा शब्द मोनेस्टी है। एक शब्द हिमालयन में जब हम जाते हैं तो मोनेस्टी शब्द भी होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि उसका नाम बदल करके हम लोग ऐसा करें, उस पर कुछ विवेक कर दें कि बोध गया बुद्धिस्ट महाविहार एक्ट करके, ऐसे करके हम लोग महाविहार कमेटी ऐसे होना चाहिए उसका, बोध गया महाविहार, महाविहार मैनेजमेंट कमेटी, ये होना चाहिए नाम उसका। तब हम डिनोट होगा, उसका एक प्रदर्शन होगा, ये बौद्धों की भाषा में बौद्धों का है। ये आप लोगों को अभी से दिमाग बना लेना चाहिए, दाएं बाएं हम लोग भी बहुत विद्वान है, ये कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, जब तक ये कि बोध गया महाबोधि विहार मैनेजमेंट कमेटी, इसका बोध ज्यादा बुद्धिस्ट भी जोड़ सकते हैं, जैसे बोध गया बुद्धिस्ट महाविहार बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी, तो उसमें दूसरा का शब्द ही खत्म हो गया, फिर उसको समझ लीजिए कि इसका बोध गया महाविहार बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी, ये इस तरह से होना चाहिए। और फिर उसमें हम लोग एक अपना ड्राफ्ट करके उसको ठीक करें कि इसका कैसे होगा क्या होगा। दूसरा मामला है कि यह एक बीटीएमसी एक भाग है, लड़ाई संघर्ष का एक भाग है, लड़ाई तो हमारी बहुत लंबी चुनी है, क्योंकि पर्सनल लॉ का मैटर केवल मैरिज एक्ट नहीं है, पर्सनल एक्ट का मतलब मोनेस्टी एक्ट नहीं है, पर्सनल लॉ का मतलब है केवल भाषा या लिटरेचर का मामला नहीं है, उसके अंदर सक्सेशन एक्ट आता है, माइनॉरिटी एडॉप्शन एक्ट आता है, कि अगर आपने किसी को गोद लिया है तो बच्चे का क्या होगा, उसकी उसका अधिकार क्या होगा सब उसके लिए। इसके बाद कोई नाजायज अगर औलाद किसी की हो जाए परिवार में, उसकी परवरिश करनी पड़े तो उसका अधिकार क्या होगा, उसकी संपत्ति में अधिकार क्या होगा, हकनामा उसका क्या होगा, जैसे अभी तक जो एक्ट बने हुए हैं कि पिता होगा, पिता के बाद अगर माता की संपत्ति है तो उसमें इतना हकदार होगा, इतना परसेंट होगा, ये सब बातें हैं। ये जो मामले हैं और आपकी जो बुद्धों की जितनी भी संपत्ति फैली पड़ी है, जितनी मोनेस्ट्रियाज हैं, जितना खंडियार है, जितना आप उत्खनन करते हैं उसमें जो चीजें मिलती हैं, जितने संग्रहालय में बहुत सी चीजें सुरक्षित पड़ी हैं, उसका क्या होगा, कौन उसकी व्यवस्था देखेगा, वो हमारी कमेटी ही देखेगी, उसका एक भाग होगा, तो इस तरह से हम लोग बनाना है। तीसरी बात हमारी समस्या जो आती है हमारे साथ में, मैरिज की तो समस्या है, मैरिज में जो भी हम लोग मैरिज करते हैं वो अगर आप मैरिज अधिकारी के यहाँ रजिस्टर्ड कराने जाएं तो आपका कुछ कानून नहीं है, वो करें हम किस कानून में इसको रजिस्टर्ड करें, ये समस्या है। लेकिन ये बात हिमालय में नहीं है, तिब्बत में नहीं हो सकती, और कहीं उसकी कोई मेजोरिटी है कुछ, और उनका एक आपस में झगड़े कम है, जो हमारे यहाँ झगड़े ज्यादा है, तो ये समस्या हम लोगों की बहुत ज्यादा है, विशेष रूप से ग्रस्त लोगों की, भिक्षुओं की यह समस्या नहीं है। तो प्रश्न ये है, दूसरा जैसे बंती जी ने नगर में बात सही है कि जो हमारा विनय बोल रहा है त्रिपिटक के अंदर, जो हमारा विनय बोल रहा है वो भिक्षुओं का किसी भी संपत्ति का अधिकार या कोई पद पर रहना ये रहना जायज नहीं है, लेकिन हम सम्मान करते हैं वैसा करते हैं, चलो बंते जी कह रहे हैं या फलाने जी कह रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि भाई हमारे तो गिने चुने तो कुछ बनते हैं, ब्याह शादी कराना भिक्खु लोगों का काम नहीं है, लेकिन करते हैं लोग बुलाते हैं, उनकी भी गलती और हमारी भी गलती है। अब समस्या ये है कुल मिला के, इसमें समाधान हम लोगों को करना पड़ेगा। महाबोधि विहार का पहले से हम लोगों ने एक्ट एक इसमें समाहित कर रखा है, जो पर्सनल लॉ में हमने लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है कि महाबोधि विहार का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या नाम होगा, कितने मैनेजमेंट सदस्य होंगे, क्या होंगे, इसमें एक सदस्य हम लोग करना पड़े। हम अभी भी आपसे लोगों से कहते हैं अगर महाबोधि विहार आज आपको दे दिया जाए हम नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतने आपस में झगड़े हैं, महाबोधि बहुत सी सोसाइटीज बनती है, बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया और अन्य है, इसके झगड़े इतने ज्यादा है कि हजारों संख्या बनते चले जा रहे हैं, तो हमें पैसे से काम लेना, हमें बहुत पैसे से काम लेना पड़ेगा, सेक्रीफाइस देना पड़ेगा और सिस्टम को ठीक से करके रहना पड़ेगा। मैंने छवेंग साहब से कई बार बात की कि आप भी इस मूवमेंट में जुड़िए, रिंचेन लियांगो जी ने कहा कि चलो हमारे छवेंग साहब हैं आप उनको भी जोड़िए इसमें, और उनसे बात हुई, बाद में उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। जामयांग साहब से बहुत बार बात करने का प्रयास किया, 3 बार उनका चिट्ठी मैंने भेजी, जामयांग साहब संसद में मामला उठाए, अभी तक बौद्ध कानून का मामला है वो
हैं 13 पटिशंस जो कि कानून मंत्री के यहाँ पेंडिंग पड़े हैं। 13 पटिशन लीगल थर्ड सेक्शन, लीगल सेक्शन थर्ड में अभी भी पड़ी है, लेकिन कानून मंत्री रिज आपके रिजिजू रहे हैं। रिजिजू ने हमने 200 प्रयास किया कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक डेलीगेशन को मिलने का समय दिया जाए। उसका आदमी यह कह रहा है जो सेक्रेटरी है कि आप भाजपा के किसी मंत्री की चिट्ठी निकालो तो हमारा क्या, हम सेकुलर माने अपने मंत्री को? तो ये समस्या है हमारी। जामयांग साहब ने आज तक समय नहीं दिया, अब आपके पास इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? हाँ, हम लोग पब्लिक के लोग हैं, हम पब्लिक के लोग, जैसा कि कहा गया है कि हमें मूवमेंट बनाना चाहिए, धरती पर मूवमेंट उठाना चाहिए, करना चाहिए उसको। आप लोग कर रहे हैं, बहुत साथवाद के पास में जो हमारे हिमालय के लोग इसमें जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसको ईमानदारी से करना चाहिए और सही रूप से समझना चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं। बाकी हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं वो आपको बताइए। इसमें एक अपना 10-15 लोगों का एक बोर्ड बना लीजिए, हमें अभी तक देखने को मिला है जो आपका फोरम है वो केवल सिलीगुड़ी के आसपास का है, इसमें किसी स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप ऑल इंडिया हम इसको नहीं कह सकते, हम ऑल इंडिया नहीं कह सकते, हम मूवमेंट आपका ऑल इंडिया बेसिस पे हम कह सकते हैं, इसको आपको सोचना चाहिए। दूसरा विषय ये है कि बीटीएमसी के मामले में निश्चित रूप से हमारे पास दो विकल्प है, हम निरस्त की मांग करें, हमें बीटीएमसी हमारे फेवर में नहीं है, इसको निरस्त किया जाए और नया बहुत एक्ट बनाया जाए, और एक्ट बनाने के लिए जो बना हुआ है उनका उसके क्लॉज को हम लोग चेंज करें, जहाँ लिखा है कि मान होंगे वो सबको हटा दें, जहाँ होंगे इनका ये अधिकार होगा वो सबको हटा दें। हमें हिंदू वर्ड का कोई प्रयोग नहीं करना है, हमें बौद्ध जो हमारे ग्रंथों में मिलता है, हमारे व्यवहार में मिलता है, उस शब्दों का ही उसका प्रयोग होना चाहिए, तब माना जाएगा कि बौद्ध होता है। मैं आपका साधुवाद करता हूँ जो आपने समय दिया है। ये कानून की एक कॉपी है हिंदी की, जिसको लेना हो बाद में ले सकते हैं, अभी नहीं देंगे, ये 10-12 कॉपी हमारे पास है कि हमारा जो कानून ड्राफ्ट हुआ है, जो लॉ मिनिस्टर के यहाँ पेंडिंग है, विधि आयोग के साथ पेंडिंग है, अभी यूसीसी के मामले में बुलाया गया। यूसीसी के मामले में बौद्धों का क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बहुत अभी आवाज सुनी होगी यूनिवर्सल कोर्ट बनने जा रहा है, हमारा जो पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो पिटीशन डिसमिस हुई थी, इस बात में ये हुई थी केवल कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार बनाने के लिए तैयार है और उसमें बौद्धों का मसला हल कर दिया, तो हम उनसे अभी लड़े, अभी 17-18 की बैठक हुई हम लोग, तो उन्होंने कहा कि हमारी यूसीसी में हमको हिंदू कानून से पहले दूर करो, यूसीसी में करो हमें हिंदू कानून से दूर करो, हम हिंदू का भाग नहीं है ना हम हिंदू है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप रिजर्वेशन दे दिए, हमसे विचार करें, बात भी करें, अगर ये विचार करेंगे तो अच्छी बात। तो मैं समझता हूँ, मैं आपका साथ बात करता हूँ जो आप लोगों ने समय दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।